वाह, बहुत दिलचस्प। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले मुझे एक सैंडविच चाहिए, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या है। कैंडी, और मैं उनसे कैसे कुछ पका सकती हूँ? मुझे यकीन है कि मैं बेहतर करूँगा। क्या, मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा? तुम्हारे पास क्या है? वाओ, मेरे पास वह है जो मुझे चाहिए। और यहाँ ब्रेड है, मुझे टोस्ट बनाना चाहिए। फेंकती हूँ, उफ। खैर चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह लो, उफ। अपनी आंखें बंद करके करती हूँ। उफ, यह असंभव है। शायद ऐसे, अरे चलो। उफ ठीक है, बस मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ और अब बस थोड़ा इंतजार करना बाकी है। आउच, यहाँ कांटे कितने नुकीले हैं। खैर बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें गंजा करने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? आउच, ओह, मैं कांटों से ढक गया हूँ। ओह, ओह, कितना दर्द हो रहा है। ओह, उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कांटेदार कौन है? मैं इसे टोस्टर में डाल दूंगा। हाँ। और अब आम। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ कि आम के गुदे को जल्दी से कैसे निकाला जा सकता है। और अब मैं प्याज और तीखी मिर्च काट लूंगा। कितना भयानक। खैर मैं किटकैट को रैपर से बाहर कर देती हूँ और टोस्टर में डाल दूंगी। और अब किंडर जॉय। लगता है यहाँ एक खिलौना है। चलो देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा रोबोट है। टेट 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 टेट, रोबोट सब तहस नहस करने के लिए आ रहा है। तो मैं चीज काट लेती हूँ। सुपर। और यहाँ समय पर टोस्ट तैयार है। अब हम एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पहले ब्रेड, अब सैलेड, हैम, चीज और एक ब्रेड, और यह हो गया। तो अभी कितना बचा है? ओह यह हो गया। ओह यह बहुत गर्म है। इससे बदबू आ रही है। आम का गुदा, उसके ऊपर से प्याज के छल्ले, तीखी मिर्च और ऊपर से कैक्टस के दूसरे टुकड़े के साथ कवर करें। हो गया। प्यू, प्यू, आउच, ये कैसी महक है? ओह चॉकलेट जल रहा है, मुझे इसे तुरंत निकालना होगा। आह आह कितना गर्म। उफ, तो मैं ऊपर से किंडर पेस्ट को लगा देती हूँ, क्रिस्पी बॉल्स और गमी भी डाल देती हूँ। मैं इसे दूसरी टाइल से ढक दूंगी और ऐसा लग रहा है कि तैयार है। तो ओके, इसे चक्कर बताओ। हमारे पास यहाँ क्या है? लेकिन यह बुरा नहीं है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। जैसा मुझे चाहिए था। सुपर। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है। रुको, क्या यह क्या है? ओह क्या यह तीखी मिर्च है? कितनी जलन हो रही है। ओह लगता है सब ठीक हो गया। ओह लगता है मैंने आखिरी सैंडविच जला दी। हाँ ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इसे बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन यह सैंडविच अभी भी जीत रहा है। यह एकदम सही है। अरे मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प, अब मुझे क्या करना है? तो सब तैयार है, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यह आसान है। और मेरे पास यहाँ क्या है? ब्रोकली। क्या सच में? पर इससे लॉलीपॉप कैसे बनाया जा सकता है? बैड लक। और मेरे पास एक स्प्राइट है। ओह मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मेरे पास क्या है? गम। और मैं इसे लॉलीपॉप कैसे बनाऊं? मैं इसे अच्छे से हिला देती हूँ और इसे सॉस पैन में डाल देती हूँ। मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। ओह हाँ, ज्यादा चीनी। और नीली डाई। ओह हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। आज को तेज कर देती हूँ और इस मिक्सर को पकाती हूँ। हाँ, क्या वो ठीक है? हाँ
मैं अब इसे तैयार कर सकती हूँ। तो मैं इस कॉटन सॉप से कॉटन को हटा देती हूँ और इसे कार्मेल में डुबा दूंगी। ओह, पर यह बुरी तरह से चिपक जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। और अब मैं अपने हाथों से खुद एक बॉल बना रही हूँ। ओह, यह फिर से काम नहीं किया। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके अंदर कार्मेल डाल देती हूँ और फिर इसमें यह स्टिक डालूंगी। इस तरह से अब सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ओह वाह, बिल्कुल सही, मैं जीनियस हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, हालांकि नहीं, लेकिन शायद मैं गम का एक टुकड़ा चबा लेती हूँ और उसमें से एक बबल बनाऊंगी। उफ, ये बहुत कम है, हमें अधिक गम की जरूरत है। पूरा पैक, अब एक असली बबल होगा। सुपर, मैं इसे किस चीज में लगाऊं? हाँ, या ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा स्टिक चाहिए, बस चलो। ओ, बलून कहाँ गया? ओ, रुको, यह तो उड़ने ही वाला था, बस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ मेरा प्रूनर है। यह लो ब्रोकली, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ओ, चलो। ओ, थक गया। हाँ, यह छड़ी एकदम सही है। ओ, लगता है मैंने ये थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं अभी सब साफ कर दूंगा। माफ करना, चलो मैं अच्छे से साफ करता हूँ। और अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ओ, मुझे लगता है मैंने इसे गिरा दिया। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी बात यह कि मेरा लॉलीपॉप तैयार है। अब इसे चेक कर बताने का समय है, केट। वाओ, कितना विशाल ब्रोकली! और यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। वाओ, कितना सुंदर, यह स्प्राइट फ्लेवर है, बस सुपर। और आप? या बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, मैं बिल्कुल सही थी। और अब एक विशाल लॉलीपॉप। यह फट गया और मैं गम में ढकी हुई हूँ, कितना घिनौना है। ब्लू लॉलीपॉप जीता, यह सबसे अच्छा है। वाह, मैं जीत गई, हुर्रे! ओह, चलो देखे। ओह, क्या आप तैयार हैं? मुझे चिप्स चाहिए, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? हाँ ठीक है, यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, प्याज। मुझे ही क्यों? और मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है? ओह, यह आलू है। हाँ, चिप्स के लिए हमें और क्या चाहिए? मैं इसे कांटे पर लगाने जा रही हूँ, इस तरह से। हाँ, एकदम सही। और अब मैं इसे छील लेती हूँ। क्या आपने देखा कि यह कितना आसान है? ओह, यह प्याज अभी से ही मुझे रुला रहा है और अब मुझे इसे काटना भी है। ओह, इसे कैसी बदबू आ रही है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओ जैक, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। हाँ लो, ये तुम ले लो। कितना घिनौना। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए केतली में इसे उबालना जरूरी है। हाँ, जरा इसे देखो, इस तरह से, एकदम आसान। हाँ, यह कैसा शोर है। हाँ क्यों, तुम खुद को काट। उफ, बेवकूफ आलू, एक मिनट रुको, मेरे पास एक स्पेशल सब्जी कटर है। मैं आलू को अंदर डालूंगी और मुझे तुरंत में एकदम सही चिप्स मिल जाएगा। मैंने तुमसे कहा था, ये एकदम सही है। काली मिर्च छिड़के और इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देती हूँ। चलो चलते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही फ्रायर तैयार कर लिया है। अब मुझे एक कटोरे में आटा डालना होगा और दूसरे में पानी डालना होगा। मैं रिंग्स को पानी में डुबोती हूँ और फिर आटे में। बैटर तैयार है, अब इसे फ्रायर में डाल सकते हैं। ओह,
व्हेल हमला कर रहा है। अपने आप को बचाओ अगर बचा सकते हो। ओह, लगता ही अच्छे से पिघल गए। आउच, मैं जल गया। यहाँ अच्छा है, यहाँ बर्फ का एक कटोरा है। मैं इसमें अपनी उंगलियों को ठंडा करूंगा। वाह, अब यह बेहतर है। बेवकूफ केतली, मैं चिमटे के साथ चॉकलेट बार को निकाल लेता हूँ। बढ़िया। हाँ चलो देखता हूँ। हाँ यह पिघल गया है, हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने कोने को काट दिया और इसे ठंडे पानी में निचोड़ दिया। यह पहली चिप है। बढ़िया, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल आसान, प्लेट में रख दिया। वाह, यह गंध कैसी है। ओह हाँ, इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही चिप निकला। और हाँ, केचप के बिना कैसा चिप्स। मुझे लगता है कि मेरे प्याज के रिंग्स तैयार है। इसे एक प्लेट पर निकालने का समय है। इसे जल्दी से खाकर बताओ किट। वाओ, कितने अलग चिप्स। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। हाँ, केचप के साथ। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह क्या है। ओ, प्याज के बाद का यह गंध, एक ही काफी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यह मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट से बने हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, निश्चित रूप से यह जीतेगा। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। ओह हाँ, क्या तुमने इसे देखा, मैं जीत गया। मुझे सबसे छोटा प्लेट मिल गया, लेकिन शायद ये ठीक ही हुआ क्योंकि इसमें मिर्च है। कितना छोटा है, पर तभी भी मुझे डर लग रहा है। कितना बुरा, कितना तीखा है। उफ, अच्छा है कि मेरे पास में पानी है। कुछ मुझे बता रही है कि मेरा हिस्सा कुछ अच्छा नहीं है। इसके बारे में बस एक ही बात ठीक है कि यह मेरे कपड़ों से मेल खा रहा है। और मैं जानती हूँ कि इसे कम तीखा कैसे बनाया जा सकता है। मुझे शहद की जरूरत है, बहुत सारा शहद। वाह, यह मैंने क्यों नहीं सोचा। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अब काफी तीखा लग रहा है। चिंता मत करो, पानी बचा हुआ है। धन्यवाद जेस, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। अब मैं ही बाकी हूँ। ओह, यह तो बहुत बड़ा है। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं इसे नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं करती हूँ। कहीं मैं जल ना जाऊँ। अगर जल गई तो, अरे नहीं, पानी खत्म हो गया। अच्छा है कि एक आग बुझाने वाली मशीन है मेरे पास। मैं इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुई थी, फोम में ढक करके। धन्यवाद दोस्तों, इस बार मुझे पहले जाना है। एक किटकैट, यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन यह इतना छोटा क्यों है। इसे तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखना मुश्किल है। ठीक है, मैं खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन अफसोस, यह तो बेकार कॉम्बो है। इसका मतलब है कि मेरे लिए इससे बड़ा किटकैट इंतजार कर रहा होगा। वाह, इसमें तो बहुत सारे हैं। सुनो, तुम्हें बांटना सीखना होगा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने अपना खा लिया है, कितना अच्छा है, लेकिन एक चॉकलेट बार काफी नहीं है। लगता है कि तुम्हें अपना चॉकलेट बहुत पसंद आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़े ले लूं तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। एमा, मैं देख सकती हूँ तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। और यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सारे कैंडी बार कहाँ गए। और सावधान रहना चाहिए। माफ करना कैटी, मैं उसे रोक नहीं पाई।
अरे मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता, यह रहा किटकैट। वाह कितना बड़ा है। मुझे पता है किस्मत मेरा साथ देती है। इसे काटने के लिए मुझे चेन शॉक की जरूरत होगी। हो गया, अब आखिरकार मैं खा सकती हूँ। और दोनों टुकड़े बहुत ही स्वादिष्ट है। अफसोस है ये जल्दी खत्म हो गया। तुम्हें सच में सोच समझ कर खाना चाहिए। लगता है फिर से पहले मेरी बारी। हॉट डॉग, ये अच्छा रहेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें किसी चीज की कमी है। केचप। चलो फिर से खाती हूँ, अब बहुत ही बेहतर है। अच्छा आइडिया है, काश मुझे भी हॉट डॉग मिले। वाह कितना बड़ा है, यह मुझे बहुत पसंद आया और स्वादिष्ट भी लग रहा है। एमा सही कह रही थी, सच में इसका स्वाद बहुत अच्छा है, पर फिर भी मैं इसमें सॉस डालूंगी। मेरा चेहरा हर जगह लग गया। तुम्हें अपना काम और ध्यान से करना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी भूल को ना दोहराऊं। इतना बड़ा हॉट डॉग, सपने सच में सच होते हैं। मेरा दिल धड़कना ही बंद कर देगा, मुझे कितनी जलन हो रही है। तुमने कहा यह केचप के साथ बेहतर होगा, तब मैं इसमें और डालती हूँ। इसे आधे में काटती हूँ कि खाने में आसान हो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मुंह में पानी आ गया। यह सब कुछ ज्यादा ही अच्छे से जा रहा है। चलो इसमें कुछ टबैस्को डालती हूँ। बढ़िया आइडिया है जेस। चलो देखते हैं इसके बारे में उसे क्या कहना है। ओह यह अलग सा है। मेरा मतलब बुरा नहीं है, तुम्हें चाहिए जेस? हाँ बिल्कुल। कितना तीखा है। हाँ इसलिए तुम्हें इसमें टबैस्को नहीं डालना चाहिए था। आखिरकार शुरू करने की बारी अब मेरी है। सच में थोड़ा अजीब लग रहा है, इस आँख को तो एक टेबल टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे खा भी सकते हैं। मजेदार और स्वादिष्ट। अब मेरी बारी। वाह इतने सारे गमी आंखें एक साथ, सारे कितने स्वादिष्ट है। जैस ने तो मेरी भूख ही मिटा दी। माफ करना एमा, मैं तो बस उन आंखों का मजा ले रही थी, मुझे क्या हो रहा है। वाह तुम्हें इतने सारे आंखें मिले जो एक ही साथ खुल गए हैं। शुक्र है कि सब खत्म हो गए। हाँ बेहतर होगा कि ऐसा मेरे साथ ना हो। वाह यह तो बहुत बड़ी आँख है और कितना भारी है। माँ हमें डराना बंद करो। माफ करना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे नहीं मेरे दांत फंस गए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं गिर रही हूँ, मुझे चोट लग गई। हाँ यह सब उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर से अब पहले मेरी बारी। ब्रोकली
यह कुछ अच्छा नहीं है, मुझे यह नहीं खाना। मुझे इतना ज्यादा क्यों मिला है? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वह कितना गंदा होगा। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? अरे नहीं, जैसा मैंने सोचा था उससे भी बुरा है यह। इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। कितना सुंदर। अरे केटी, यह लो, यह तुम्हारे लिए। कितना प्यारा, धन्यवाद। लेकिन रुको, ये तो ब्रोकली है। उपहार वापस करना अच्छी बात नहीं होती है। अब तो मुझे सोच कर ही डर लग रहा है कि मेरे लिए क्या होगा। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था कि सब्जियां इतनी बड़ी हो सकती हैं। मुझे शुभकामनाएं दो दोस्त। हाँ हाँ, शुरू करो। सच में उतना बुरा नहीं है। मुझे तो यह पसंद आ रहा है। जैस, लग रहा है कि तुम खुद एक ब्रोकली में बदल रही हो। हमारी दोस्त अब एक ब्रोकली है। मुझे अब कुछ अच्छा चाहिए। चॉकलेट, यह सही रहेगा। ओह, एकदम सही आकार भी है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। धन्यवाद एमा। अब मेरी बारी। वाह, यह तो छोटे चॉकलेट बीट्स की तरह है। यह मुझे पुकार रहे हैं। इसके बारे में सोचना तक नहीं जैस, यह कैंडी मेरे हैं। यह इतने अच्छे हैं कि एक खाकर रोक ही नहीं सकते, सारे खाने होंगे। अब तुम्हारी बारी है एमा। कुछ भी नहीं, यह कैसे मुमकिन है? सच में कुछ भी नहीं बाकी है। ऊपर देखो एमा। वाह, कैंडी का एक पूरा कैन। ऐसा लगता है कि सीधा स्वर्ग से उतर कर आया है, ऊपर से उपहार। मैंने हमेशा कैंडी के बारिश के सपने देखे हैं। इसे कहते हैं असली खुशी। लड़कियों, मैं शुरू करती हूँ। एक खट्टा नींबू, इसका ढक्कन खोलना ही नहीं चाहिए था। चलो, मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा काटती हूँ, पूरा खाने से ज्यादा अच्छा है। ओह, कितना खट्टा है। मैं तो इसे देख भी नहीं सकती। जैस फिर भी मुझसे ज्यादा भाग्यशाली निकली, मुझे 3 नींबू मिले हैं। मैं जानती हूँ इसे मैं कैसे खा सकती हूँ। चलो गाना चलाओ। इसे क्या हुआ? मैं पागल हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। और ये नींबू तो उतने बुरे भी नहीं है। कितने रसदार। वाह, मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता मैंने पहले तुम्हें कभी ऐसे देखा है। फिर लगता है मैं ही केवल बची हूँ। इतने सारे नींबू से तो पूरे दुनिया की भूख मिटाई जा सकती है। लेकिन यह तुम्हें अकेले खाना होगा। मुझे पता है यह कैसे कर सकते हैं। देखो और सीखो दोस्तों। मैं इसे अच्छा और ताजा सा जूस बनाती हूँ। बस अच्छी मात्रा में चीनी डालना होगा। ब्लेंडर चालू करती हूँ और अब इंतजार। तो देखो, हो गया। कमाल का लग रहा है। अब ग्लास में डालती हूँ। और अब अंत में थोड़ी सी बर्फ और एक सुंदर सी स्ट्रॉ। ओह, मैं लगभग अपने पसंदीदा हैट को भूल गई थी। लग रहा है कि तुम किसी शानदार रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने गई हो। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए।
अरे नहीं, मिर्च नहीं। अब तो चीजें गर्म होने वाली हैं, खास करके मेरे लिए। मैं पहले शुरू करती हूँ। एक मिर्च और बहुत सारा पास्ता। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक रहेगा। आह, यह तीखा है। ठीक है, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। अब मैं अपना सारा बचा हुआ नूडल्स खाऊंगी। अगर मैरी ने इसे संभाल लिया तो मुझे भी करने में सक्षम होना चाहिए। तुम बहुत गंदे हो गए हो एंडी। या उस मिर्च का दोष है, उसी की वजह से ही हुआ। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं खाना शुरू करती हूँ। आह, आग लग गई। अच्छी बात है कि मैं हमेशा अपने आसपास एक आग बुझाने वाली मशीन रखता हूँ। ओह, अब ठीक है, आग बुझ गई। धन्यवाद एंडी। कौन कौन फोम पार्टी के लिए आना चाहता है? मुझे पता है, मैं हूँ। फिर से खाना नहीं? मैं इसे जल्दी से ठीक करती हूँ। What? मैरी, तुमने बस एक छोटा सा डोनट ही मुझे क्यों दिया है? क्योंकि बाकी सारा मैंने अपने लिए बचा रखी है। यह तो गलत बात है। यहाँ तो मुश्किल से कुछ भी है खाने को। बस एक दो बाइट। इसकी वजह से तुम जल्दी से खत्म कर पाए। जैस, अब तुम्हारी बारी। तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं इस डोनट से शुरू करूँ। आह, मैंने अपनी उंगली काट ली। तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब मेरी बारी है। ओह, मैं हमेशा से जगलिंग करना चाहती थी और यह बिल्कुल सही समय लगता है। ओह, ध्यान से मैरी, तुम जगलिंग नहीं कर सकती हो। बस रुक जाओ। अब देखो कि तुमने क्या किया है। ओह, मुझे माफ कर दो। What? यह गुब्बारा किस लिए है? वाह, इसके अंदर एक शक्कर है। Wow. बढ़िया है। स्वादिष्ट। आह, मेरे दांत। मुझे भी एक शक्कर चाहिए। या मुझे एक मिनट के लिए दो। वाह, इतना सारा। देखो, यह उन सभी को एक साथ खाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। ओ, ढेर सारी स्वाद एक साथ। अब मेरे लिए। वाह, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मिला है। एक पूरा कटोरा भरकर। सपने सच में सच होते हैं। मैं तो इसमें स्नान कर सकती हूँ। अच्छा विचार है। मैं कुछ स्वादिष्ट पानी की कामना कर रही हूँ। यह काम कर गया। चॉकलेट। तुम भाग्यशाली हो। मैं रुक नहीं सकती, मुझे यह बहुत पसंद है। हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है और मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं इन सबको कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। मुझे लगता है इतना काफी है। अभी तक का सबसे अच्छा गर्म कोको। बस एक ही कमी है, स्ट्रॉ की। इस कटोरे में पूरे स्वर्ग का सुख समाया हुआ है। और यह इसके साथ खाने के लिए चॉकलेट बार भी है। बहुत स्वादिष्ट। अब यह कुछ और है। मेरा पेट पूरा भर गया है। अरे जरा इधर देखो, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था। अरे यार, यह तो बहुत ज्यादा है। और इसका हर अंतिम टुकड़ा मेरा है। मैं इसे एक बड़ा मीठा टावर बनाने जा रहा हूँ। यह प्रभावशाली है। मुझे यह पता है। अब समय है इसे खाने का।
तुम बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, है ना एंडी? मैरी, तुमने इसे गिरा दिया। हालांकि कौन परवाह करता है, इससे इसका स्वाद तो नहीं बदल जाएगा ना। मुझे पता नहीं कि अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो क्या होगा। कोक, बहुत बढ़िया। मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या सच में ये टूट ही गया? ठीक है, फिर समय है इस उपकरण के उपयोग करने का। अभी तक इसमें से कुछ बाहर क्यों नहीं आ रहा है? यह एक सेटअप था। अब मैं पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक सोडा से भींगी हुई हूँ। अब मैं बटन दबा कर देखना चाहती हूँ। इतने सारे कैंस, मुझे इस राउंड के लिए एक विशेष प्रकार के स्ट्रॉ की जरूरत होगी। यह जीनियस आइडिया है जेस, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि मैं एक बार में सभी 10 कैन को पीकर खाली कर सकती हूँ। हो गया, अब मैं ही बचा हूँ। अरे वाह, कोका कोला की एक पूरी दीवार। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो सारे पी जाऊंगा। कुछ आखिरी काम और हो गया। एंडी, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा सरप्राइज है मेरे दोस्त। एक पूरा पैक मेंटोस का। यह मजेदार होने वाला है। यह क्या? माफ करो, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ ऐसा जिससे मेरा पेट पूरा भर जाए। लेकिन पहले इसमें कुछ चीज डालने की जरूरत है। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ। उंगली चाटकर खाने लायक, बहुत बढ़िया। मैं भी और चीज के लिए ना नहीं कहूंगी। आखिर इसे कौन मना कर सकता है? मेरे तो जीभ में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। चीज का इतना बड़ा टुकड़ा, वैसा ही जैसा कि मुझे चाहिए था। अब काम पर लग जाता हूँ। ओह, मेरे हाथ थक गए और वास्तव में मैं भी। मैरी, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है नाश्ता करने का। हाँ, इसे छोड़ नहीं सकते। यह तो चीज का पहाड़ है। ओह हाँ, यह अद्भुत था। हाँ, क्या मेरा पिज्जा कहाँ गया? वाह, हॉट डॉग्स। मेरे पास बस एक छोटा सा है। मैरी के पास तो इतना खाना है कि वो पूरे कॉलोनी को खिला सकती है। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ मिला हो उसका आनंद न लिया जाए। मैं तुम्हारे फिलॉसफी के आधार पर कोशिश करता हूँ। एंडी, तुम बहुत अनाड़ी हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हॉट डॉग बहुत फिसलता है। मैं निश्चित रूप से इस समस्या में पड़ना नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रेड की जरूरत है। हाँ, अब यह सही है। इसमें से अब कुछ नहीं गिरेगा। यह अंतिम टुकड़ा, इसे कहते हैं प्रदर्शन। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन, अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है।
जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। मैं इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वह चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वह चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली, तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओ, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें, यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वह उनमें से किसी को कुछ दे, वह प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है, अंडे। खैर, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन
वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहाँ लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसे महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम दो मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वह चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी दो मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वह एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। यह शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। वाव। जेन को इसे काटने से पहले दो बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट।
लेकिन लगता है जैन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपने व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ, चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस यस नो, कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जैन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जैन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर मैं भी नहीं, आप क्या सोचते हैं? जी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह, एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छे मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है।